हेलो फ्रेंड्स, रिद्धि सिद्धि गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अम्ब्रेला पाम, जिसे कि साइप्रस पाम के नाम से भी जानते हैं, के विषय में बात बताऊंगी। यह एक मार्जिनल प्लांट है जो कि नदी और तालाब के किनारे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर इसको हर समय नमी मिलती है। यह एक वाटर लविंग प्लांट है। इसकी जो पत्तियां हैं वो घास की तरह दिखाई देती हैं, जो कि एक सिलिंड्रिकल स्टेम के टिप्स पर अम्ब्रेले का शेप बनाते हुए ग्रो करती हैं। हम इसको पॉट में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसको 10 इंची के पॉट में लगाया हुआ है। आप इसको चिकनी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी में वाटर होल्डिंग की पावर अच्छी होती है। या फिर आप इसको गार्डन सोयल में थोड़ी कंपोज और थोड़ी कोकोपीट मिलाकर भी लगा सकते हैं। याद रहे कि आप उसमें सैंड ना मिलाएं, क्योंकि सैंड मिलाने से मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए मिट्टी सैंडी नहीं होनी चाहिए। आप इसको आउटडोर और इंडोर दोनों जगह पर रख सकते हैं। जब आप इसको अंदर रखें तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिले और हवा का आवागमन भी अच्छा हो। सर्दियों में आप इसको 1-2 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। बाहर रखते हुए भी ये ध्यान रहे कि इसको ब्राइट लाइट मिले। इसको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप इसको साल में 2 बार भी फर्टिलाइज़र दें तो इसके लिए सफिशियंट है। एक बार फरवरी में और एक बार मानसून सीजन में इसको फर्टिलाइज करें। आप इसकी डेली वाटरिंग करें। इसकी जो मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए। और आप प्लांट्स की सावरिंग भी करें, ताकि जो प्लांट्स है देखने में सुंदर लगे। अब बात करते हैं प्रोपोगेशन की। इसको प्रोपोगेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप प्लांट डिवीजन से आप इन प्लांट्स को निकाल दीजिए और दूसरे पॉट में लगा दीजिए। ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। आप इसकी कोई भी स्टेम कटिंग ले लीजिए और लेने के बाद इसकी जो लीव्स हैं ये आगे से कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप इनको किसी भी वाटर बोतल या प्लास्टिक के या कांच के गिलास में इस लीव्स को उल्टा करके रख दीजिए। 15 से 20 दिनों में इसमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तब आप इनको निकाल कर पॉट में लगा दीजिए और इसका जो पानी है आप 4-5 दिन के बाद बदलते रहिए। है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।